हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी। कैसे आप सभी? मैं कभी हम सब बढ़िया होंगे। और आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है जो जहाँ जाना पड़ रहा है, वरना मेरा कोई प्लानिंग नहीं थी जाने की, पर अब मुझे जाना पड़ेगा। और वो है मेरी तबीयत को लेकर ही, जो मुझे दिक्कत चल रही है उसको लेकर। जहाँ भी जा रही हूँ आगे व्लॉग में बताऊँगी आप लोगों को। फिलहाल तो मैं पा रहा हूँ और हम लोग निकल रहे हैं जल्दी जल्दी। भाई हम तब तक मैं कुछ भी नहीं खाना पीना कर सकती। आप लोगों से बात करने के बाद जो है मैं मतलब निकली गई थी यहाँ से, और यहाँ से मैंने ऑटो की और फिर मैं निकल गई सुकरदार के लिए। जी हाँ, सुकरदार मुझे जो है ना गंगा जी पे पहुँचना था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ मतलब जो मार्केट वगैरह में थोड़ा घूंघट कर लिया, और अभी वहाँ जाके मैंने क्या किया ये आप लोगों को दिखाती हूँ। सबसे पहले मैंने ये जो गंगा मैया की पैड़ी है इसको साफ़ करा पानी, मतलब कुछ क्योंकि सब लोग निकलते हैं आते जाते हैं तो पैर रखे जाते हैं। और ये जो है ईंटें, मैं देवताओं के नाम की ईंटें लाई हूँ, इनको गंगा जी में धोके तब इनका स्थान रखना था, या फिर जल होता। जल घर पे भी नहीं था, मतलब ख़त्म हो रहा था। मम्मी कह रही थी कि जल ख़त्म हो गया है और आस पड़ोस में किसी के भी नहीं मिलेगा, था नहीं किसी के। तो मैंने सोचा कि जब किसी काम को करना है तो उसमें आलकसी क्या करना है, भगवान का नाम है, दही देवताओं का काम है। तो मैं गंगा जी पहुँच गई और वहाँ मैंने अपने जो पांच इंटे मेरे को रखने के लिए बोली गई थी, वो पांच इंटों को मैंने गंगा जी नुहलाया। ये बोलता है कि गंगा जी नुहा के ले आओ अपने दही दामों को, तो इनको मैं गंगा जी पे लेके गई और बहुत अच्छे से मैंने एक एक इंटी को गंगा जी मैया में नहला लिया। और मैं यहीं पे रख रही हूँ, फिर दो दो करके एक एक करके मैं सारी उठा के लेके जाऊँगी। और मैं घर से सुबह नहा के सर धो के कायरों को लेके निकल गई थी, और अवनी जो है वो मम्मी के पास में ही है। मैंने कहा मैं अपने खुद से ही कर आऊँगी, फिर दोनों बच्चों के साथ में थोड़ी दिक्कत पड़ती है। अभी ये तो वैसे कुछ दिक्कत भी नहीं थी, पर अवनी घर पर रह लेती है मम्मी के पास। फिर मैंने सूर्य देव को जल दिया और उनको प्रणाम किया, कहा हे भगवान, हे सूर्यदेव, हे दही देवताओं, जो भी कोई भूल चूक हो रही है माफ़ करो, और मेरी जो है तबीयत में आराम लगाओ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार। सच में कुछ टाइम से मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत से गुजर रही हूँ, मेरे मन को पता है या फिर मेरे भगवान को पता है। तो अभी यहाँ पर फिर है ना, मैंने मच्छी जी माई है और जो है गंगा मैया को भी प्रसाद चढ़ाया। जब गंगा पर आए हैं और प्रसाद ना चढ़ाए तो ये बात गवारा नहीं है, अच्छी नहीं लगती, ऐसे जाना भी नहीं चाहिए। बोलते हैं कि अगर आदमी 100 पाप करे और एक पुण्य कर ले मच्छी जी माने का, तो उसके 100 पाप माफ़ हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं बड़े बुजुर्ग। मैं तो देखो तो आप लोगों को पता है मैं करती हूँ या नहीं करती हूँ, पर मुझे इतना पता है मैं जब भी आती हूँ मच्छी ज़रूर जिमाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत। ठीक है, गरीबों को खाना खिलाना, मच्छी जिमाना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ये चीज़ें, ये सब करना, क्योंकि तो जीवन में कुछ भी साथ नहीं जाता ना, सिर्फ आदमी के दुख। एक मेरे को बोल रही थी कि दुख साथ जाता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, दुख साथ जाता है और आदमी के कर्म साथ जाते हैं और कुछ साथ नहीं जाता। मरे बात तो कुछ भी साथ नहीं, बस उसने जो अच्छा बुरा किया दुनिया में वही साथ जाता है। तो अपना जितना हो सके लोगों का अच्छा करो, अच्छे कर्म करो, बस यही मैंने सीख ली है। और मैं पहुंच गई अपने जंगलों में, वहाँ जब मैं पहुंची तो इसने जिन भैया ने हमारा खेत ले रखा वो वहीं मिले मुझे। और मैंने जो साइड में सतूस का पेड़ था वहाँ रखने के लिए बोल रही थी देवताओं का स्थान, मैं बोले कि भाई यहाँ का ट्रॉली वगैरह निकलती है, आप यहाँ ना रख के इधर जो है अंदर की साइड सिरस का पेड़ है इसके नीचे छाँव में बैठा दो, छाँव भी रहेगी और मतलब जो है इधर ट्रॉली वगैरह के पहियों से भी बच जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, ऐसा कर लेती हूँ, क्योंकि देखो मैं अकेली आई, कोई बड़े की राय बड़े की हो जाती है, फिर मेरे साथ में सास नहीं थी, हस्बैंड नहीं था, कोई नहीं था, मैं सीधे अपने घर से आई हूँ। उन लोगों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बहू इतनी बीमार है, इतनी दिक्कत है, परेशानी है, हम ही कुछ पूछ रहे हैं, किसी से पूछ के बता दें, या देवता रख लो, या भाई स्थान वो कर दो, या भाई पैसे छुआ के रख दो, बहुत चीज़ें होती है करने को, पर जब उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से, तो फिर मैं अकेली करूँ या दुकेली करूँ। हस्बैंड को कॉल भी किया तो मैं तो बाहर हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो वहाँ हूँ, मेरा फ़र्ज था कॉल करने का, सो मैंने कर दिया कि मैं तो नहीं आ सकता। एक दिन पहले भी यही शब्द मम्मी ने बात की, यही बोला कि मैं नहीं आ सकता। देखो वो अपनी ज़िम्मेदारी से नहीं गिरते, पर ये लोग अपनी ज़िम्मेदारी कभी किसी चीज़ में नहीं उठाना चाहते। तो फिर मैंने कहा नहीं आएगा तो इसका मतलब ये थोड़ा कि मैं ऐसे ही पड़ी रहूँगी, मैं बीमार हूँ, मुझे दिक्कत है, मेरे बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब हो रही है, और इनकी तरफ से मरो या जियो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मैं अपना काम स्वयं से करूँगी। जब सारे काम करती हूँ तो दही दाम का भी मैं खुद से ही कर लूँगी, दही देवताओं का। जंगल में पहुँची और सिरस के पेड़ के नीचे मैंने देखो फावला लेके ना सारी मिट्टी जो है यहाँ से साफ़ किया, आसपास का सारा एरिया मतलब बिल्कुल साफ़ कर लिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर उनको स्थान ग्रहण कराना था। और फिर उसके बाद मैं
गंगा जी नुहा के लाई थी, फिर भी मैंने यहाँ इस मिट्टी पे थोड़ा सा ना जल का छींटा लगा दिया, इसको भी पवित्र हो जाएगी थोड़ी सी ये जगह भी, क्योंकि पेड़ के नीचे भाई कोई बैठ भी जाता है कोई क्या, मतलब खेत खेत ही होता है, वो वाली बात हो जाती है, थोड़ा सा शुद्ध हो जाएगा जगह, स्थान जो है वो शुद्ध हो जाएगा। मैं और कायरव यहाँ बैठे थे तो थोड़ा सा जल का छींटा लगा लेते, और कायरव के हाथ में लगवा रही थी क्योंकि ये उनका पोता हो गया, और मैं उनसे भैया से बात करती कि गंगा जी का जो मुँह है वो किस साइड को पड़ेगा, क्योंकि हमें तो अपने घर का पता है, ससुराल में आके तो मैं भी अक्सर बिछल जाती हूँ दिशाओं में, तो वो बोले कि बेटा इस साइड को कर देना आप, इधर गंगा का मुँह बैठता है। देखो बड़े, मैंने कहा ना बड़ों की राय थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है, ये भी देखो टाइम की बात, अच्छा रहा कि वहाँ मुझे मिल गए और उन्होंने मुझे बताया। फिर मैंने एक एक इंटी करके कायरव का हाथ लगवा लगवा के, ये उनका पोता है भाई आखिरकार, इसका भी अपने बाबाओं का अधिकार बनता है कि अपने बाबाओं की सेवा करें, हर बाबा पोते से एक आस लगाता है, तो वही है, मैंने इसके हाथ लगवाए और एक एक करके हमने इंटी जो है वहाँ पे रख दी, मतलब देवताओं को स्थान ग्रहण हम करा रहे हैं। तो अभी ये एक इंटी और इसको रखते हैं, और फिर जो भी कुछ मुझे करना है, जो भी मैं यहाँ करना ही हूँ, सब चीज़ें मैं अभी करूँगी। और मेरे मन को है ना, मतलब मैं उठ नहीं रही हूँ 3-4 दिन से, क्या हफ्ते भर से ज़्यादा हो गया घर आए हुए मुझे, 3-4 दिन हो गए जब से मैं उठती नहीं हूँ, सारे दिन पता नहीं कहाँ पड़ी रहती हूँ, कौन सी दुनिया में हूँ, खाने के लिए मम्मी उठाती है, एक डर सा एक साया सा आसपास मालूम देता है, बहुत चीज़ें हो रही है, मतलब सब आप लोगों को एक दिन फिर खुल के बताऊँगी, अभी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बता पा रही क्योंकि मैं अभी इस सिचुएशन में नहीं हूँ, और यहाँ तक पता नहीं भगवान ने सत दिया शक्ति दी क्या दिया, मुझे ये ज़रूर आज हर हाल में करना ही करना था, और मैंने कहा कि मेरा काम है मेरा लक्ष्य है और मुझे ये करना है, चाहे मैं रास्ते में गिरूँ मरूँ चोट पैट कुछ भी हो मेरे साथ, मैं आज ज़रूर चाहूँगी और ये काम करूँगी। अगर उनकी इच्छा होगी तो वो मुझे अपने स्थान तक ले जाएंगे ठीक ठाक, और वापस घर भी लाएंगे, घर छोड़ के जाएंगे, गोपाल जी हो काली माँ हो भाई शिव जी हो जो भी कोई दैव देवता हो कुछ भी, अगर वो चाहते हैं तो मैं वहाँ ज़रूर पहुँचूँगी, और वो नहीं चाहते तो मैं रास्ते में कहीं कुछ भी हो सकता है। तो मैंने मन में बना के चली थी, खैर भगवान ने मेरी यात्रा सफल करी और मैं आखिरकार अपने खेत तक पहुँची, और मैंने प्रसाद ग्रहण करा दिया इन्हें। और अभी थोड़ा सा कैमरा जो है ना फ्रंट का लगा हुआ था, आप लोगों को थोड़ा लग रहा होगा अजीब सा, तो फ्रंट के कैमरे में आपको अजीब लग रहा होगा कि शायद मैं इनके पीछे हूँ या इधर हूँ, तो मैं जस्ट है ना बिल्कुल सामने थी, अभी मैंने कैमरा फिर इस साइड लगाया तो आप लोगों को अच्छे से थोड़ा सा दिख जाए। और मैं ना मम्मी मैंने घर से ही चादर लेके आई थी, मतलब जो है कपड़ा चादर तो वैसी चादर नहीं थी, 5 मीटर का कपड़ा था, तो मम्मी ने कहा कि 4 या 5 मीटर का था शायद, मम्मी ने कहा कि ये लेके जा और ये उनको उठा के आना, और मतलब हाथ जोड़ के आओ कि भूल चूक कुछ हुई हो तो माफ़ करो और अपना स्थान ग्रहण करो और मेरे मतलब जो है तबीयत में सुधार लगाओ आराम लगाओ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, आपके सहारे के बिना मेरा कोई वो नहीं है, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद और बड़ों का दिया हुआ फल और बड़ों का दिया हुआ श्राप सब चीज़ें फलती है, ऐसी बात नहीं है। तो चलिए आपसे मिलती हूँ मैं। तो मैं आई थी जंगल में और यहाँ मैंने अपने देवताओं क्षत्रियों को विराजमान किया है, इन्हें स्थान दिया है, तो ये जाओ देवताओं क्षत्रिय घर में सुख शांति अपनाओ और अपना स्थान ग्रहण करो, जो भूल चूक है उन्हें माफ़ करो। यहाँ शिव मंदिर में जो है भूमिया माता पर, और यहाँ भी मैं अपनी पूजा पाठ करने वाली हूँ। मैं सुरेश कलुंडी बोलूंगी, राजिंदर कालू सुरेश कलुंडे की बहू हम किसके, हाँ जी बैठे बामनो को ही दे दिए, मैं तो अभी कहीं जगह चढ़ाऊंगी अम्मा जी, हाँ मशरूम भी है तो मेरे घर तो फैनी है, बामनो को ले जाती है माता करो। अरे भैया भोग लगा दे हर जगह, ये सारा बच्चा है ना समझी समाप्त कर लो। शनिदेव भगवान से सत सत प्रणाम, शनिदेव भगवान को इनको भी लगाती हूँ।
आप खा लो, मैं बाबा को पूजा कर दूँ। जय श्री शंकर, जय श्री शंकर, जय श्री शंकर, जय श्री शंकर। जय हो भोले की, भोले। हाँ बाबा, हाँ जोड़ लो बाबा को। जय हो, अंत लगा है डॉगी। ले मेरे भोले मंदिर की साफ सफाई करते देखो। अच्छा जी, अच्छा जी। अभी बजाऊंगे। जय हो माँ काली, जय हो माँ काली, स्वीकार करो माँ काली, स्वीकार करो। जय हो शनिदेव, जय हो बजरंगबली, बजरंगबली। पप्पी खा रही है मेरी माँ। तुम ये नहीं खाते ऐसे, किसी का पट्टू अपने पकड़ो, अपने पकड़ो, अपने पकड़ो। ले माँ काली भोग लगा, जय माँ काली भोग लगा, जय माँ काली भोग लगा। जय हो शनिदेव, जय हो शनिदेव, जय हो शनिदेव। हाँ दे दो, खुआ दे माता को। माता खा लो, खा लो, मैं लाया। जय हो बजरंगबली, ये सुंदरनी है, सुंदरनी है, जय माँ काली है, जय माँ दुर्गा है, जय माँ भवानी। सारे रूप तेरे माफ करो, बंदो माफ करो, अगर मेरे शांति ना मेरे जीवन में सभी भवन में सच करो। और कोई मेरे घर मन तेरे घर बस मेरे से कर दे अपना हाथ। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली।